ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जी राजेंद्र चौधरी, जिस प्रकार से भाजपा जो कि राज्य सरकार के विरोध में अब मोर्चा खोल रही है और ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र भर में, राज्य भर में जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, इसमें जो है राज्य सरकार की नीतियां सक्षम नहीं थी, जिसके वजह से जो है ये मामले बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, तो जो विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ CM का भी जो विरोध किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका, किस तरीके से जो है पक्ष रखेंगे अपना? भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाने के बाद में बौखला गई है। देवेंद्र फडणवीस और उनके जो दो चार दा चंद्रकांत दादा पाटिल, इनको मंत्री, मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं और उनको वही लगता है कि हम अभी भी मुख्यमंत्री और मंत्री है और हम बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ऐसे वक्त पे जो कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और उद्धव जी ठाकरे साहब अच्छी तरह से ये कोरोना प्रादुर्भाव के ये संकट में लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं, ऐसे वक्त में राजनीति करनी नहीं चाहिए। आपको मालूम होगा कि कोल्हापुर में और सांगली में बाढ़ आई थी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, तब कुछ लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने लोगों को बयान अलाउंस किया था, आह्वान किया था कि हम अभी ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, राजनीति मत करो, राजनीति करने के लिए और दिन पड़े तभी अपन राजनीति करेंगे। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होने के बाद बौखला गई और राजनीति कर रही है। वहीं देश भर में भी लॉकडाउन होने के बाद भी जो है संक्रमण के मामले लगातार रोजाना बढ़ते जा रहे थे, इसमें क्या कहना चाहेंगे, केंद्र कहीं ना कहीं सक्षम नजर नहीं आ रही इसमें? केंद्र सरकार तो बिल्कुल सक्षम नहीं, केंद्र सरकार अगर जनवरी के महीने में स्ट्रिक्ट कदम उठाती, जितने भी बाहर देशों से जो अपनी हवाई जहाज आती है, हवाई अड्डे अगर उस टाइम पे सील करते थे तो ये नौबत इधर आती नहीं थी, और ये नौबत केंद्र सरकार की वजह से आई है। खास करके मुंबई में तो केंद्र सरकार ही उसको जवाबदार है और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इस मामले से निपटना चाहिए वैसा कोई मामला केंद्र सरकार की तरफ से दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं एक नीति रही है राज्य सरकार की ये कि शुरुआती तौर में ये देखने को गया था कि कुछ जो अति आवश्यक ज़रूरतें हैं या फिर सर्विस है या सेवा है उसके लिए जो छूट दी गई थी, और शासकीय कार्यालयों में भी 25% लोगों को जो है काम करने के निर्णय दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार से ये चूक हो गई कि उन लोगों को जो है अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में अपनी ड्यूटी के बाद जाने दिया, जिसकी वजह से संक्रमण कहीं ना कहीं फैला है, तो इस पे क्या पक्ष है आपका? ये बात तो ठीक है, आपने यहाँ पर भी बाहर जो लोग काम पे जाते उनके वजह से खास करके उल्लासनगर में कोरोना बढ़ गया है, लेकिन वो भी इंसान है, उनको भी परिवार है, भले वो उल्लासनगर में रहते, अंबरनाथ में रहते, बदलापुर में रहते, और ऐसे समय पर अपनी सेवा दे रहे तो उनका भी थोड़ा सा मान सम्मान होना चाहिए। तो उनको डायरेक्ट निगलेक्ट करके चलेगा नहीं, उनको भी अपना अपना खुद का एक वजूद है, इसलिए उनको भी ऐसा अपन दोष देते चलेगा नहीं, सेवा में है। इसलिए अगर ऐसा ही कोई बाहर से आता है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो सेवा दे रहे हैं, कई लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अपने दिल में भी रहम आना चाहिए और उनके लिए अपने दिल में प्यार होना चाहिए। अब ऐसा काम हुआ है, ठीक है, जो भी परिस्थिति आई है उसको सरकार निपटने के लिए सक्षम है और अच्छी तरह से काम उद्धव ठाकरे साहब कर रहे हैं। उल्लासनगर की आप बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूँ, जब से कोरोना की महाबीमारी यहाँ पर आई है तब से क्या काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और भारतीय जनता पार्टी के आमदारों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, ऐसा आप दिखाओ। सिर्फ कोई खाना बांटते हैं कोई ट्रस्ट, तो उधर जाके खड़ा रहना, बिल्डरों के काम शुरू करने के लिए कमिश्नर, महानगर पालिका कमिश्नर के पत्र देने, बिल्डर के जो काम बंद है वो शुरू किया जाए। अरे गरीब लोग भूखे मर रहे हैं उनका क्या, बिल्डर लोग तो खा रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन जो गरीब लोग भूखे मर रहे हैं जिनको आज अनाज नहीं खाने के लिए, उनकी परिस्थिति खराब है। जो यहाँ मजदूर रहते थे, काम करते थे, उनको अपने गाँव में जाने के लिए व्यवस्था नहीं, उसका क्या, बिल्डर तो काम करेगा, तुम खुद बिल्डर होने के बाद बिल्डर की बाजू ले रहे वो बात एक अलग है, लेकिन बाकी लोगों भी, लोग भी ये शहर में रहते, बाकी लोगों ने भी आपको वोट दिया है, बाकी लोगों ने भी आपको चुनके दिया है, उसका भी ख्याल आपने रखना चाहिए, वो रखते नहीं, और किसी को कुछ मदद नहीं करते हुए खाली फोटो निकाल के वायरल करना ये ही काम नहीं होता है। यहाँ पर जितना काम शिवसेना पार्टी के लोगों ने किया उतना मुझे नहीं लगता है किसी ने काम किया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।